सभी राजस्थान वासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और राजस्थान के सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान दिवस है। आज राजस्थान दिवस के मौके पर हम सभी को राजस्थान की मजबूती के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान की विरासत और संस्कृति को बनाए रखने के लिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वो राजस्थान को मजबूती प्रदान करें और राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान की विरासत इसको बनाए रखने में सहयोग करें। उन्हें आप सभी को धन्यवाद। जय जल शक्ति मंत्री जोधपुर के सांसद और हमारे प्रत्याशी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उनके नामांकन की सभा में मैं आज आया था। मैं जोधपुर के सभी नागरिकों को बधाई देना धन्यवाद भी देना चाहता। इतना बड़ा विशाल आयोजन नामांकन हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि गजेंद्र जी 14 में जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से 19 में जीते और उससे ज्यादा वोटों से अभी 2024 में। राजस्थान की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, 2014 में भी, 2019 में भी और 2023 में भी उन्होंने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई। मुझे विश्वास है राजस्थान 25 सीट तो जीतेंगे लेकिन अब के बाद मार्जिन होगा बहुत बड़ा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि अगर हमारा विकास कहीं भेद है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका विश्वास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता गरीब कल्याण से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का सम्मान करने से जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता उस पर मोहर लगाएगी, मोहर ही नहीं अब की बार जनता ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे, पूरे देश में 400 बार महिलाओं को सर 5 सीटें दी है, कांग्रेस ने 3 ही दी है, इस तरह ये कांग्रेस की बात से पूछेंगे। भाजपा ने 5 महिलाओं को आज हम क्या कहें, जिनकी नीति नियत साफ नहीं होगी। हमने धीरे धीरे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस पर से उससे पहले ही हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई, क्योंकि हम जो कहते हैं वो